राम मंदिर प्रबंधक कमेटी ढन मोहल्ला जालंधर की तरफ से मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर की संकीर्तन मंडली से पंडित तुलसीराम ने भगवान कृष्ण के मनमोहक भजनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर रास कलाकारों ने झांकियां पेशकर सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, आप नेता दिनेश ढल, श्री देवी तालाब मंदिर के मुख्य सेवादार रमन शर्मा ने विशेष रूप से में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। शीतल विज ने जन्माष्टमी की सभी को बधाई दी और कहा कि श्री कृष्ण जी का जन्म और उनकी लीला दोनों ही दिव्य हैं। श्री कृष्ण अनादि हैं, जिन्हें किसी भी कार्य जाति की संकीर्ण परिधि में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब जब समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में वृद्धि हुई, तब तब वह परम तत्व इस धरा पर समाज के कल्याण हेतु साकार रूप लेकर आया और यही स्थिति आज समाज की है। आज जरूरत है ऐसी अवतरित सत्ता की जो दिशा विहीन मानवीय इकाई को दिशा प्रदान करके समाज में शांति का प्रसार कर सके। कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्यों को मंदिर के प्रधान विवेकपुरी व समस्त पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।